फिल्म की शुरुआत गेम डेवलपर किरिल से होती है, जिसे पुलिस वालों ने रिमांड में लिया होता है, पर सरप्राइजिंगली वो उसे छोड़ देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद किरिल के फोन में एक लोकेशन अपडेट होता है और इसी के साथ मूवी 24 घंटे पीछे मुड़ जाती है, जहां से इन सब की शुरुआत हुई। पिछले रात किरिल अपनी गर्लफ्रेंड एना को उसके जन्मदिन का सरप्राइज देना चाहता था और वो उसे मनाने की कोशिश भी कर रहा था, क्योंकि किरिल अपने काम में बिजी होने के कारण उसका जन्मदिन 2 दिन बाद मना रहा था, पर एना उसका बहाना सुनने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो उसे ब्रेकअप करके चली गई, जिससे किरिल एकदम दुखी हो जाता है। अगले दिन किरिल और उसका दोस्त कोटिया दोनों ऑफिस पहुंचते हैं, जहां एक बड़ी कंपनी को किरिल का बनाया गेम पसंद आया, इसलिए उसे उनसे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसके बाद इसी खुशी में सभी पार्टी मनाते हैं। पर जब किरिल देर रात अपने घर लौटता है तो घर में कोई और ही फीमेल नेम रेनेट होती है, जो किरिल के घर को अपना घर बताने लगती है। किरिल उसे कोई शातिर कौन आर्टिस्ट समझकर जाने को कहता है, पर वो पुलिस को खबर कर देती है और जब तक पुलिस वहाँ पहुँचते हैं तो तब तक घर का नक्शा एकदम से बदल गया होता है, जो किरिल के घर जैसा नजर ही नहीं आता, जिससे किरिल भी एकदम हैरान हो जाता है। रेनेट पुलिस वालों को घर के पेपर्स दिखाती है, जिसके बाद पुलिस वाले किरिल को ही उसके घर से बाहर निकाल देते हैं। पर किरिल उसे झूठ साबित करने के लिए घर के भरे हुए बिल्स लेकर गवर्नमेंट ऑफिस पहुँचता है, पर वहाँ भी उसे निराशा हाथ लगती है, क्योंकि उनके रिकॉर्ड के अनुसार वो यहाँ कभी रजिस्टर्ड ही नहीं था। किरिल को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद वो अपने ऑफिस जाता है, जो लोग भी उसे एम्प्लॉय पहचानने से इनकार कर देते हैं और किरिल के हंगामा करने पर उसे धक्के मारकर निकाल देते हैं। उसका आखिरी चारा वो अपने पिता से मिलने जाता है, पर वो भी उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। वो अब उसी फीमेल रेनेट को कन्फ्रंट करता है और उससे जवाब की मांग करता है कि आखिर तुम मेरे घर को हत्याना क्यों चाहती हो, पर वो जवाब देने से इनकार कर देती है, जिस पर किरिल उसे डराने के लिए चाकू का सहारा लेता है, पर वो पागल लड़की चाकू को अपने ही पेट में घुसेड़ देती है, जो देख ग्रिल एकदम घबरा जाता है और तुरंत वहाँ से भाग निकलता है और फिर सीन वही लौट जाती है जहाँ से शुरुआत हुई थी। अब किरिल को जो लोकेशन किसी अनजान से मिली वो वहीं पहुँचता है, जो एक अबैंडेंड लाइट हाउस निकलता है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। अब किरिल के पास जाने के लिए कोई घर नहीं, इसलिए वहीं रात बिताने का तय करता है, पर जब तक उसकी आंखें खुलती है तो लाइट हाउस अब एकदम नया में बदल गया होता है। फिर तभी वहाँ एक अनजान इंसान किरिल के लिए पार्सल लेकर आता है और उसी दौरान रेनेट भी पहुंचती है, जो किरिल को बताती है कि अब से यही जगह तुम्हारा घर है। रेनेट उसे एक शॉकिंग जानकारी भी शेयर करती है कि ये दरअसल एक दूसरी दुनिया है और ऐसे ही कई दुनिया मौजूद है, पर अब तक सिर्फ एक ही दुनिया का दरवाजा खुला है, जो तुमने ही अनजाने में खोला जब तुमने अपना गेम का आविष्कार किया, जिसके बाद हमने तुम्हारी असली दुनिया से तुम्हारी असली जानकारी सभी से मिटा दी। इसी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दूसरी दुनिया के बारे में पता है और वो अलग अलग दुनिया में सफर करते रहते हैं। तुम्हारा काम उन लोगों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में सफर करने में मदद करने का है। इसके बाद रेनेट उसे एक जादुई अलमारी दिखाती है, जो किसी के भी कोई भी इच्छा को पूरी कर सकता है। किरिल अब उससे सवाल करता है कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता, तो रेनेट एक और नया शॉकिंग जानकारी शेयर करती है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक सुपर ह्यूमन है, जो एक सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम करती है। रेनेट अब उसे पार्सल में रखी वही किताब पढ़ने को कहती है, क्योंकि अब से वो यहाँ का कस्टम ऑफिसर है और उसका एग्जैक्टली काम क्या है वो इसमें डिटेल में लिखा है। पर किरिल ये सब करना नहीं चाहता, पर रेनेट उसे याद दिलाती कि तुम बाहर की दुनिया के लोगों के लिए अब एक अपराधी हो, इसलिए तुम्हारा बाहर कदम रखना सेफ नहीं होगा। रेनेट के बाहर कदम रखने पर हम उसे किसी को फोन पर कहते हुए सुनते हैं कि हमने सही इंसान को चुना। अब किरिल जब लाइट हाउस एक्सप्लोर कर ही रहा होता है तो वहाँ उसे एक मशीन में गिरता पानी दिखाई देता है, जिसमें किरिल के हाथ रखते ही वो मानो पानी किरिल को अपने अंदर समा रही होती है। ये दरअसल एक ऐसी मशीन होती है जो इस सीक्रेट सोसाइटी के रजिस्टर्ड लोगों को ही दूसरी दुनिया में सफर करने में मदद करती है, पर यदि किसी नॉट रजिस्टर्ड ने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की तो ये उसे अपने जाल में भी कैद कर लेता है। अब किरिल वहाँ अकेले होने के कारण अपने दोस्त कोत्स्या को लाइट हाउस बुलाता है और भाग्य से कोत्स्या की याददाश्त मिटी नहीं होती, पर किरिल के उसे समझाने पर वो भी कुछ समझ नहीं पाता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर तभी वहाँ एना अपने नए बॉयफ्रेंड एंटोन के साथ आती है, पर एना की याददाश्त चली जाने के
कारण वो किरिल को पहचान नहीं पाती। एंटन भी दरअसल उसी सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर होता है जिसने एना को भी इसमें शामिल कर लिया। दरअसल किरिल ने जिस दुनिया को खोला, एना और एंटन उसी दुनिया में घूमने आए होते हैं, पर किरिल कोत्या के साथ उनका पीछा करने लगता है और पीछा करते करते एक होटल जा रुकते हैं। पर फिर तभी एक गुड़िया लाइक रोबोट उन पर हमला कर देता है। अब सीन से दुनिया किरिल ने खोली थी तो उसमें भी रेनेट की तरह सुपर पावर्स आ जाती है जिसकी मदद से वो उस रोबोट को मार देने में सफल हो जाता है। इसके बाद उन्हें उसी होटल में एक घायल लड़की मिलती है जो किरिल से पानी के लिए विनती करती है और उसके पानी पीते ही उसका सारा घाव एकदम से क्योर हो जाता है। वो अपना नाम रोजा बताती है और ये भी रिवील करती है कि इस दुनिया में पानी हर चीज को आसानी से क्योर कर सकता है। दरअसल रोजा भी एक कस्टम ऑफिसर है जो यहाँ 27 साल की आयु में आई थी जिसके बाद से वो अमर बन गई और तब से ही वो 27 साल की उम्र में अटकी है। यानी कि किरिल भी इस दुनिया में अब अमर है, अब उसकी भी आयु नहीं बढ़ेगी। जिसके बाद किरिल लाइट हाउस लौटकर सो जाता है। पर अगले दिन जब उसकी आंखें फिर से खुलती है तो उसे पता चलता है कि किसी तरह एक और दुनिया का दरवाजा खुल गया। वो दुनिया एक खूबसूरत बीच से शुरू होती है जो जगह किरिल को बहुत पसंद आती है, जिसके बाद वो फिर से लाइट हाउस लौट जाता है। पर फिर तभी रेनेट कुछ अथॉरिटी वालों के साथ आ धमकती है जो उसी नई दुनिया को देखने आए होते हैं। रेनेट किरिल को एक लॉकेट देती है जिसका टाइम लिमिट वो सेट कर देती है, जिसके बाद वो एक मकड़ी की शक्ल में बदल जाता है। रेनेट उसे बताती है कि तुम किसी भी दुनिया में सिर्फ 15 किलोमीटर तक जा सकते हो और उसके आगे निकलने पर तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसके बाद अगले दिन रेनेट किरिल के लिए एक पार्टी रखने का तय करती है जहां उसे नए लोगों से मिलवाया जाएगा। पर किरिल अपने माता पिता से मिलने फिर से असली दुनिया में जाने के लिए निकल पड़ता है। वो ट्रेन की मदद से वहां पहुंचने की कोशिश करता है, पर जैसे जैसे वो 15 किलोमीटर के रेंज को क्रॉस करता है उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है, मानो उसके शरीर से सारा खून सूख रहा हो। भाग्य से नजदीक एक भला इंसान उसे पानी पिलाने पर वो फिर से तंदुरुस्त महसूस करने लगता है। किरिल अब अपने माता पिता के घर पहुंचता है पर वो अब भी उसे पहचान नहीं पाते। किरिल के पिता एक टीचर होते हैं इसलिए एक स्टूडेंट के भेष में उनके साथ कुछ समय बिताकर लाइट हाउस लौट जाता है। उसी रात वहाँ एना और एंटन भी आते हैं क्योंकि जो नई दुनिया खुली वो एना को बहुत पसंद आई होती है इसलिए वो वहाँ घूमने के इरादे से आई है। पर जब एंटन उस पानी पर हाथ रखता है तो वो पानी उसका हाथ पकड़ लेता है। किरिल बताता है कि उसे अपनी सारी जानकारी डालनी होगी तभी पानी उसे पहचान पाएगा। दरअसल ये किरिल का ही चाल होता है ताकि वो जान सके कि एंटन और एना रिलेशनशिप में कितने सीरियस है। एंटन बेचारा सब उगल देता है कि उसे सोसाइटी के लोगों ने एना के साथ रहने के लिए हायर किया, जिस पर किरिल खुश हो जाता है क्योंकि उसमें अब एना को फिर से पाने की उम्मीद पैदा हो जाती है। अगले दिन किरिल एना को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी याददाश्त मिटा दी गई है, पर एना को कुछ समझ नहीं आता और वो अब भी किरिल को पहचानने से इनकार कर देती है, इसलिए किरिल कैसे तो उसे डेट के लिए मना लेता है। अब अगले दिन पार्टी शुरू होती है जहाँ किरिल एना के साथ एंटर करता है। ये देख रोजा एना को अपने साथ ले जाती है और रेनेट किरिल को समझाने की कोशिश करती है कि उसे पुराने लोगों को भूलना होगा। उसी दौरान जब रेनेट किरिल को सभी से मिलवाती है तभी किरिल की मुलाकात उस कस्टम ऑफिसर से होती है जो किरिल के पहले इस दुनिया का कस्टम ऑफिसर हुआ करता था। वो किरिल से शेयर करता है कि उसने कई दुनिया के दरवाजे बिना परमिशन के खोले इसलिए सीक्रेट सोसाइटी के लोगों ने उसे निकाल दिया। उन सब दुनिया में से एक ऐसी दुनिया है जो सारी दुनिया पर राज करती है जिसे लोग स्वर्ग बुलाते हैं, पर दूसरी दुनिया के लोग वहाँ नहीं जा सकते और सिर्फ क्रिएटर्स उस दुनिया को चलाते हैं जिन्होंने सारी दुनिया को बनाया। पर अब किरिल सभी के साथ पार्टी में व्यस्त होने के कारण वो फिर से भूल जाता है कि वो एना के साथ आया था, इसलिए एना रूठ कर अपनी दुनिया में लौट जाती है। पर अपनी दुनिया में पहुंचने पर उसे सोसाइटी का एक मेंबर मिलता है जो उसे घर ड्रॉप करने की विनती करता है, जिसके लिए एना एकदम तैयार हो जाती है। पर ये दरअसल रेनेट की चाल थी क्योंकि वो एना को घर ना ले जाकर उसे किसी और ही दुनिया में भेज देता है। दूसरी तरफ अब किरिल की बत्ती जलती है कि एना कहीं नजर नहीं आ रही, इसलिए वो तुरंत लाइट हाउस लौटता है जहां एक फीमेल अथॉरिटी उसे एक मिशन देती है कि उसे सबसे मुख्य दुनिया आर्कन में जाना होगा और वहां से सारी जानकारी निकालनी होगी कि वो लोग इतनी सुख शांति से कैसे रह रहे हैं, क्योंकि वहां कोई भी दंगा फसाद या आपदा या कोई युद्ध नहीं घटता। वो इसलिए उसे ऐसा करने के लिए कहती है ताकि ये दुनिया के लोग भी उनके तौर तरीकों पर चल सके और ये भी एक तरह से मुख्य दुनिया बन सके। पर इसके बाद किरिल एना के घर का लोकेशन निकालता है जो 15 किलोमीटर की दूरी पर होता है, जहां के लिए वो तुरंत निकल पड़ता है। पर 15 किलोमीटर पहुंचने तक उसका
उसका शरीर फिर से कमजोर होने लगता है, पर किरिल स्नो निकल कर अपने आप को फिर से रिवाइव कर लेता है। अगले सीन में एंटन अपने सीनियर से एना के बारे में सवाल करता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता और एंटन का इंसल्ट करने लगता है, जिसके कारण वो अपने सीनियर को गाड़ी में बैठा कर चाबी ले लेता है और उसे 15 किलोमीटर आगे भेज देता है, जिसके कारण एंटन का सीनियर अब किरिल जैसा होने लगता है। फिर तभी एंटन उसे पानी देकर कहता है कि अब से मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम मुझे एना का पता बताओगे, पर वो उसे कुछ बता नहीं पाता। वहीं किरिल के एना के घर पहुंचने पर उसे एना कहीं नजर नहीं आती, इसलिए वो खाली हाथ लाइट हाउस लौट जाता है, जहां अब एक और नई दुनिया का दरवाजा खुल चुका होता है। किरिल के उस दुनिया में प्रवेश करने पर वो ऐसी नजर आ रही होती है मानो वो दुनिया एपोकलिप्स का शिकार हुआ हो। जितने भी लोग बचे हुए हैं एक लोहे की फैक्ट्री में काम करते हैं, जिनकी लीडर उन पर बहुत अत्याचार करती है। किरिल के उससे मिलने पर वो बताती कि वो यहाँ की कस्टम ऑफिसर है और वो किरिल को भी पहचान जाती है कि वो दूसरी दुनिया का कस्टम ऑफिसर है। वो कुछ ही देर में भाषण देने वाली होती है जिसमें वो किरिल को भी शामिल होने की विनती करती है। किरिल जब भाषण देना शुरू करता है तो उसे भीड़ में एना नजर आती है जो एकदम कमजोर हालत में होती है। वो फीमेल लीडर एना को छोड़ने से रही, इसलिए किरिल एक चाल चलता है। वो उनके लीडर के सम्मान में सभी को स्टेज पर आने की विनती करता है, जो सभी वैसा ही करते हैं। और फिर उस भीड़ में किरिल मौका देखकर एना को लेकर भाग निकलता है, पर गार्ड्स उसे देख लेते हैं और अब उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिसके कारण अंत में किरिल की उनसे झड़प हो जाती है। पर भाग से कुछ अनजान लोग धावा बोलते हैं, जो ऑफिसर के सम्मान में उसे धरकर हवा में उछालने लगते हैं और किरिल मौका देखकर एना को लेकर लाइट हाउस भाग निकलता है। अब जब किरिल कमजोर एना की देखभाल कर रहा होता है तभी कोर्ते आ धमकता है, जो दावा करता है कि सोसाइटी ने मुझे तुम्हारा सीनियर बना दिया है, यानी कि कोर्तिया पहले से ही इस सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम करता था, जिसके कारण ही उसकी याददाश्त नहीं गई। वो बहुत भड़का हुआ होता है कि किरिल ने बिना अनुमति के एना को दूसरी दुनिया से लाया और कस्टम ऑफिसर्स पर भी हमला किया, इसलिए एज सीनियर वो किरिल को सजा के तौर पर उसकी 15 किलोमीटर की रेंज को अब 50 मीटर पर कर देता है, यानी कि अब किरिल लाइट हाउस से कुछ ही कदम आगे जा सकता है। वहीं अब एना की हालत गंभीर हो रही होती है, इसलिए किरिल उसे उसी बीच वाली दुनिया में ले जाता है, जहां उसे थोड़ी राहत मिलती है। पर जैसे ही वो 50 मीटर तक पहुंच जाता है तो उसका शरीर फिर से दम तोड़ने लगता है, पर एना अपनी पूरी कोशिश करके किरिल के गले से वो लॉकेट निकाल देती है, जिसके बाद से अब किरिल फिर से पहले जैसा हो जाता है, यानी कि अब वो जितना चाहे उतना दूर जा सकता है। पर इतना कम नहीं कि अगले दिन एक और नई दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। किरिल की उसमें प्रवेश करने पर वो बहुत ही आधुनिक होता है, इसलिए अब वो उसे एक्सप्लोर करने लगता है। फिर तभी उसकी मुलाकात उसी दुनिया के कस्टम ऑफिसर से होती है, जो उसे बताते हैं कि ये दुनिया आर्कन है, यानी कि ये वही दुनिया है जहाँ जाने का किरिल को मिशन दिया गया था। कस्टम ऑफिसर्स किरिल को और बताते हैं कि इस दुनिया का साल अभी 1941 चल रहा है, पर हम सारी दुनिया से ज्यादा एडवांस है। हमने ही दरअसल सारी दुनिया को बनाया और उन सभी को समय में आगे कर दिया, ताकि जो भी युद्ध, नेचुरल डिजास्टर या कोई भी महामारी या युद्ध आने वाली हो, उनकी जानकारी उन्हें पहले से ही मिल जाए, ताकि वो वही भूल अपने दुनिया में ना रिपीट कर सके। इसी के कारण हमारी दुनिया में सुख शांति बनी हुई है, जो एक स्वर्ग से कम नहीं। यानी कि रियलिटी ये कि आर्कन ही एक रियल दुनिया है और बाकी सारे आर्टिफिशियल है। किरिल को फिर समझ आता है कि उन्होंने उसकी दुनिया भी बनाई सिर्फ अपनी जरूरत के लिए। वो अब लाइट हाउस लौटने का तय करता है, पर ऑफिसर्स उसे जाने नहीं देते, क्योंकि उसने उनकी दुनिया का सबसे बड़ा राज जान लिया है, इसलिए वो उसे जिंदा जाने नहीं दे सकते, क्योंकि इससे उनकी दुनिया को खतरा हो सकता है। इसलिए सभी किरिल की जान के पीछे लग जाते हैं और किरिल बेचारा उनके हमले से घायल होकर सीधे पानी में कूद जाता है, पर पानी की मदद से वो फिर से रिवाइव हो जाता है और उसी रास्ते से एक टनल के जरिए बच निकलता है। पर अब आर्कन के लोग किरिल के लाइट हाउस का दरवाजा सीमेंट से बंद कर रहे होते हैं। वहीं किरिल के पीछे फिर से वही रोबोट गुड़िया लग जाती है, जो काफी देर तक उसका शिकार करती है। पर किरिल कैसे तो उनसे बचकर लाइट हाउस तक पहुंच जाता है और दीवार को नष्ट करके अपने दुनिया में लौट जाता है। पर यहाँ अब उसकी मुलाकात रेनेट से होती है, जो बताती कि उसने एना को किसी दूसरी दुनिया में भेज दिया। किरिल उसे एना के लोकेशन की मांग करता है, पर वो बताने से इनकार कर देती है, जिससे किरिल एकदम भड़क जाता है और अपना सारा गुस्सा रेनेट पर निकाल देता है। रेनेट भी अब तिलमिला जाती है और उसकी सुपर नेचुरल पावर्स में लाइट हाउस नष्ट होने लगता है और वो इर्द गिर्द के पत्थरों को किरिल की तरफ डाइवर्ट कर देती है। पर किरिल भी अपने शक्तियों का प्रयोग करना सीख लिया होता है,
इसलिए वो अपने शक्ति से उसके हमले को रोक लेता है और उसके नजदीक आकर उसके पेट में चाकू घुसेड़ देता है, जिस पर रेनेट जवाब देती है कि अब क्रिएटर्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जिसके बाद रेनेट वहीं बेहोश हो जाती है और उसकी लाइट हाउस पर बनी कंट्रोल छूटते ही पूरा लाइट हाउस ढेर हो जाता है। अब लाइट हाउस की गिरते ही सभी की याददाश्त लौट जाती है और किरिल की माँ उसे फोन करके घर बुलाती है, जिससे किरिल की खुशी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि अब उसका परिवार उसे पहचान सकता है। पर तभी वहाँ कोते आता है जो बताता है कि उसने दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता नष्ट कर दिया। किरिल उससे मदद मांगता है कि उसे एना को ढूंढना होगा जो किसी दूसरी दुनिया में कैद है, पर कोत्से उसे याद दिलाता है कि उन्हें पहले कोई और जगह ढूंढनी होगी जहाँ से हम दूसरी दुनिया में जा सकते हैं, क्योंकि लाइट हाउस तो नष्ट हो चुका है। अब दोनों उस जगह के खोज में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ लाइट हाउस नष्ट हो जाने के कारण वहाँ आग लग गई होती है, इसलिए फायर मार्शल्स पानी की मदद से आग को बुझाने लगते हैं, पर उसी पानी की मदद से रेनेट भी रिवाइव हो जाती है और इसी इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है, यानी कि शायद आगे इसका अगला पार्ट बने। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।